हेलो दोस्तों, तो आज की स्टूडियो में आपको बताऊंगी कैसे आप पैसे कमा सकते हैं $25। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं ChatGPT पर पैसे कमाने के लिए। तो आप कैसे पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन ये वर्क करके मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ChatGPT पर लिख देते हैं राइट प्रॉम्प्ट टू जनरेट अमेजिंग प्रॉम्प्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वो प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो यस, वो प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं राइट लोगो जनरेटिंग आइडियाज। तो लोगो जनरेटिंग आइडियाज लिए उनसे, तो ये बताते हैं आप कैसे लोगो जनरेट कर सकते हैं अलग अलग नीश के। तो हमें जिस पर लोगो बनाने में उस लोगो का आइडिया लूँगी। मैं लिखूँगी राइट लोगो आइडियाज ऑन अलरा खान। तो मैं इस पर लिख देती हूँ ओके। यहाँ पर ये कुछ आइडियाज दिए, तो मैं वो आइडिया को लाइक इम्प्लीमेंट करूँगी और लिख दूँगी ए डिज़ाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च करूँगी गूगल पर ए डिज़ाइन के लिए, पर मुझे इनमें से कोई भी लेटर अच्छा नहीं लगा। तो मैं ये वाला बहुत प्यारा है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लेती हूँ, ये मुझे सही लगा। तो उसके बाद ए हो गया, तो के वाला लाइक करना है। ए के और भी बहुत सारे हैं, तो आप देख सकते हैं आपको जो अच्छा लगता है। ये देखें और भी बहुत लेटर्स हैं। उसके बाद मैं के करती हूँ के लेटर का, तो मुझे के लेटर का ये बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक यही बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसे मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। तो इसे डाउनलोड कर लिया है मैंने, ये देखें। ऐसे डाउनलोड करने के बाद हम आ जाएंगे बीजी रिमूव। तो उसके बाद हम अपनी लाइक उन लोगोस का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे ताकि हम अपने डिज़ाइन का लोगो बना सकें। तो मैंने वो कर लिया था, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। मैं इसे डाउनलोड कर लूँगी। उसके बाद ए का करेंगे, तो ब्राउज़र पर क्लिक करूँगी ओके। ये देखें ये हो गया डाउनलोड कर लिया मैंने। उसके बाद हम चले जाते हैं कैनवा पर, और सर्च के ऑप्शन पर जैसे हम कैनवा पर आएंगे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करके सर्च करेंगे लोगो। ये देखें ये फर्स्ट वाला हमें क्लिक कर देना है लोगो की टेम्पलेट। तो ये देखें इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, बस लाइक बस होने वाला है। हो गया, फिर से कर लेती हूँ बिकॉज वो पहले वाला सही नहीं हुआ। तो सिमिलर ऑप्शन को रिपीट करना, सिमिलर स्टेप्स को। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कैनवा पर, ये देखें। तो उसके बाद इसका कलर हमें ब्लैक कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ट्राई करते हैं, ये देखें बने हुए लोगों के टेम्पलेट्स भी हैं, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। बट मुझे ये इतने अच्छे नहीं लगे, तो मैं वही ऐड कर दूँगी। डिवाइस पर जाऊँगी, माई फाइल्स पर जाऊँगी और ये दोनों ऐड कर दूँगी ओके। फिर से करूँगी, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ब्लैक में अच्छा है, तो ओके इसे कर देना है। उसके बाद के को करूँगी, तो के को इसके लाइक बैकवर्ड कर दूंगी, सन बैकवर्ड। तो ये पीछे नज़र आ रहा है के की लाइक वो जो है ना के का स्टाइल। तो मैं उसके बाद वहाँ पर ये एलिमेंट डाल दूंगी इस शेप के, ब्लैक कलर करके इसे डाल दूंगी ताकि वो नज़र ना आए। ये देखें, तो इसे ब्लैक कलर में कर देना है और इसे बैकवर्ड सेंड कर देना है, यहाँ पर सन बैकवर्ड ओके। तो इसे बैकवर्ड सेंड करने के बाद आप देखें ये कितना सही लग रहा है, पर लाइक इसे मुझे थोड़ा सही से एडजस्ट करना है। तो इसके बाद इसे सही से एडजस्ट करूँगी, बिकॉज लाइक ये सही तो लग रहा है, बट व्हेन लाइक जब लोगो बन के वो लोगो लगता है ना, तो सही नहीं लगता उस स्टाइल में। तो मैं आपको बताती हूँ, अभी मैं इसे सही से कर लूँगी ओके। ये मुझे थोड़ा सही लगा, तो उसके बाद लाइक मुझे अच्छा तो लगा, अच्छा लग रहा है, बट इसे थोड़ा साइड पर कर देते हैं ओके। तो इसके बाद इसमें मैं एक सर्कल डाल देती हूँ ब्लैक कलर का या वाइट कलर का, इससे ब्लैक कर देंगे सर्कल को। ये देखें सर्कल को वाइट कर देना है, और सर्कल को ब्लैक कर दूंगी और बैकग्राउंड को वाइट। ये देखें बैकग्राउंड को वाइट कर देना है,
मुझे लगा था सर्कल के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगा, ये देखें। उसके बाद सर्कल को बैकवर्ड कर देने हैं 3 डॉट्स पर क्लिक करके, ये देखें। ये सर्कल के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, सर्कल के साथ ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उसके बाद सर्कल के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई बट सर्कल के साथ बहुत ही बुरा लग रहा है। तो उसके बाद मैं सर्कल को लाइक थोड़ा और बड़ा कर दूँगी, ये देखें। इस सर्कल को मैंने बड़ा कर दिया और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये सही लग रहा है। इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेना है, सेंटर में ले आना है दोनों को। ओके, इसको सेंटर में ले आना है। ओके, केक को भी थोड़ा सेंटर में कर लेना है, ये सही है। ऐसे ही सही लग रहा है आई थिंक। ये थोड़ा इधर कर देना है। ओके, वैसे भी लाइक एडजस्ट करने हैं। ओके, ये भी अच्छा लग रहा है लाइक ठीक है इतना वो लाइक। ये देखें कितना सही लग रहा है। अब मैं इसे डाउनलोड कर लूँगी, इसे डाउनलोड पर क्लिक किया और डाउनलोड हो गया। इसके बाद हम चले जाते हैं अपवर्क पर, और अपवर्क पर हम ये फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिए आप। तो इसके बाद ये ओवरव्यू है वेबसाइट का, यहाँ पर ये जैसे आप अपवर्क पर आएंगे आपको ये इंटरफेस मिलेगा, और ये कुछ कैटेगरीज हैं, फेमस कैटेगरीज हैं जो लाइक बहुत ही ट्रेंडिंग है या बहुत ही लाइक जिनसे आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो ये कुछ लाइक हैं, ये उनके लिए, ये क्लाइंट्स के लिए जो आते हैं काम वगैरह देने के लिए, फ्रीलांसर हायर करने के लिए, ये उनके लिए हैं। तो ये देखें, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको ये दिखेंगे कुछ कंपनियों से ये जिन्होंने लाइक इन्वेस्टर हैं जो इनके। उसके बाद आप थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये ट्रेनिंग स्किल, टॉप स्किल इन US और प्रोजेक्ट कैटेगरीज। तो आप इन कैटेगरीज के हिसाब से भी अपने नीच रिसर्च कर सकते हैं, ये आपको बहुत हेल्पफुल करते हैं आपको सही कैटेगरी सेलेक्ट करने में। तो यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर कुछ लाइक ये देखें, ये क्लाइंट के लिए हैं और ये फ्रीलांसर के लिए जो यहाँ पर वर्क करते हैं, यहाँ रिसोर्सेज हैं कंपनीज हैं। ओके, उसके बाद यही था। तो उसके बाद हम कर देते हैं साइन इन पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पर आपको यस आई एम फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये अकाउंट बना के क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखें, ये देखें गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है, ये आ जाएंगे। तो गेट स्टार्टेड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो कुछ सवाल को आपको लाइक दो ऑप्शन मिलेंगे जिन पर एक पर क्लिक कर सकते हैं, और कुछ सवाल के आप दो पर भी क्लिक कर सकते हैं, ये देखें दोनों जवाबों पर क्लिक कर सकते हैं। और कुछ सवाल को आप स्किप भी कर सकते हैं, आप फिल आउट भी कर सकते हैं, ये देखें। आप जिस सवाल पूछेंगे आपको लिखना पड़ेगा, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। मैं इसे स्किप कर देती हूँ इन दोनों को। उसके यहाँ पर आपको लैंग्वेज डालनी होगी, यहाँ पर लैंग्वेज डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी स्किल डालनी होगी, हम लिखेंगे विर्चुअल असिस्टेंट, बिकॉज मैं लाइक जो लिखनी चाह रही थी वो है नहीं, तो मैंने विर्चुअल असिस्टेंट को लिख लिया। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपना बायो लिखना था। तो जल्दी जल्दी में इतना मुझे कुछ लाइक समझ नहीं आया, आप ये बायो अपना ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं, मैंने ये ही लिख दिया। तो आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं प्रॉम्प्ट राइट करके, ये बहुत ही ईजी है। आपको मैं ये भी बताऊँगी आप कैसे ChatGPT से प्रपोजल लिखवा सकते हैं। तो मैं इसे कर देती हूँ, इसका 100 वर्ड्स के लिए करना है तो कुछ भी लिख दूँगी, बिकॉज ये वैसे बायो ही होगा। आपको फिर भी ध्यान रख के लाइक ChatGPT से लिखवाना है बायो, ये मैंने वैसे ही लाइक अभी करना था। उसके बाद यहाँ पर स्किल सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर आपको प्राइस ऐड करना है, ये देखें।
उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो और आपको सारे लोकेशंस वगैरह ऐड कर देने हैं। ये देखें, आपको ये सब कुछ ऐड करने के बाद रिव्यू योर प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है और आपका अकाउंट बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, जैसे अकाउंट रेडी होगा हम अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर लोगो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लोगो डिज़ाइन के लिए लाइक करेंगे, ये बिल्कुल ही फ्रॉड है, आपको इस पर बिल्कुल भी नहीं लाइक कर, इस पर लाइक प्रपोजल नहीं सेंड करना। आपको प्रपोजल सेंड करने के लिए कोई लाइक सही, आपको ये देखना होगा कि वो स्कैमर है या नहीं है, जिसकी पेमेंट वेरीफाइड हो, उसने कुछ ड्रॉयर से पेंट किए हुए हो और 5 स्टार हो रिव्यू में, उन्हें ही आपने जाकर लाइक प्रपोजल सबमिट करना है। ये देखेंगे अभी आपको यहाँ पर आपको फिल्टर पर आ जाना है और यहाँ पर पेमेंट वेरीफाइड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कुछ लाइक सही सही आएंगे, पर आपको फिर भी चेक करना पड़ेगा कितने डॉलर ने स्पेंड किए हैं, पेमेंट वेरीफाइड हो और 5 स्टार हो, आपको ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। तो ये देखिए, उसके बाद यहाँ 0 डॉलर है, ओके। ये देखें, मुझे ये वाला सही लग रहा है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो मुझे ये सही लग रहा था, मुझे लाइक मुझे तो लाइक ये वाला सही लग रहा है, वो ऊपर वाले सही है, आप और भी चेक कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं और भी लाइक एक्सप्लोर करते हैं, और भी ऑप्शंस और भी लाइक प्रोजेक्ट्स देखते हैं। मुझे तो भाई यही वाला ही सही लग रहा है, ये वाला। अभी 9 घंटे पहले किसी ने पोस्ट किया है तो मैंने वहीं पर क्लिक कर दिया, और फिर क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही आपको लाइक पूरा आपको प्रपोजल पढ़ना है, पूरा प्रोजेक्ट की डिटेल्स पढ़नी है, उसके बाद अच्छे से समझ लाइक अच्छे से पढ़ने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आके देखना है 5 स्टार है रिव्यू में तो 5 स्टार है, ओके। उसके बाद हमें थोड़ा लाइक नीचे स्क्रॉल करके देखना है, वहाँ पर रिव्यूज़ के लाइक कमेंट्स वगैरह भी आए हुए होंगे। उसके बाद आपको लाइक आ जाना है, और भी मैं देख रही हूँ और भी कोई अच्छा हो तो। ये देखें, ये भी मुझे सही लग रहा है, ये भी मुझे सही लग रहा है, पर लाइक मुझे नहीं लगता ये इतना सही है। तो करते हैं, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको मैं बताती हूँ। ये देखें 5 स्टार और इनके रिव्यूज़ देखें, तो मुझे नई वाला पसंद आए तो मैं इसे कॉपी कर दूँगी। इसका टाइटल कॉपी करने के बाद हमें आ जाना है ChatGPT पर और यहाँ पर लिख देंगे राइट प्रॉम्प्ट, राइट प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन दिस तो यहाँ पर हमें ये पेस्ट कर देना है, इसे करके पेस्ट कर दूँगी मैं। उसके बाद ये कर देंगे ओके, उसके बाद हम कर देंगे आगे लिखेंगे हेयर्स द डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट, हेयर्स द डिटेल प्रोजेक्ट डिटेल्स, हेयर्स द प्रोजेक्ट डिटेल्स। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसे कॉपी कर देंगे ओके, कॉपी कर देंगे इसे। इसे कॉपी करने के बाद हमें फिर से वहीं आ जाना है और यहाँ पर ChatGPT पर आ जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये देखें, उसके बाद हम साइन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखें ChatGPT प्रपोजल लेकर, पर मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, मुझे ये प्रपोजल इतना सही नहीं लगा, तो मैं क्या करूँगी, फिर से इसे एडिट करूँगी, इसे प्रॉम्प्ट को एडिट करूँगी मैं इसको। ये देखें, और अब मैं यहाँ पर ये चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ फॉर गेटिंग दिस प्रोजेक्ट, फॉर गेटिंग दिस प्रोजेक्ट। तो अब मैं इसे सेंड, फिर से सेव एंड सबमिट कर देती हूँ। और ये देखें, ये कितना अच्छा लिख रहा है, बिल्कुल फुल डिटेल के साथ। ये देखें,
ये सारी डिटेल के साथ प्रपोजल लिख लिया है, हम इसे कॉपी कर लेंगे। अब इसे सही तरह पढ़ने के बाद हम इसे कॉपी कर देंगे। ये देखें, हमें इसे कॉपी करने के बाद हमें कर देना है ध्यान, ये पूरा पढ़ने के बाद सब कुछ देखने के बाद हम करेंगे अप्लाई नाउ पर। ये देखें, आपको ये सारे चेक कर लेने, हम अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ये यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, वो उनके भी आंसर देने पड़ेंगे। ये देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो इनके आंसर भी आपको लिख लेने हैं। ये बस पूछ रहे हैं कितना एक्सपीरियंस हुआ है, आपको ये सच सच बता देना है ताकि लाइक आपसे जब इंटरव्यू लेंगे तो उसके लिए आपके आसानी हो। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम माई सेल्फ, फ्रॉम माई सेल्फ, ओके। यहाँ पर लिख लेंगे दिस प्रोजेक्ट, मैं यहाँ पर यही पेस्ट कर दूँगी। उसके बाद हम चले जाते हैं, सेंड कर देते हैं इसे 16 कनेक्ट्स पर। और अगर आपको लगता है कि आपने किसी प्रपोजल को गलती से सेंड कर दिए तो आप इसको लाइक विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप चेंज करना चाहें टर्म्स को, आप चेंज टर्म्स पर क्लिक करें। अगर आपको विड्रॉ करना है, आप विड्रॉ पर तो हम क्लिक करेंगे। कोई भी आप दे सकते हैं लाइक रीज़न, तो उसके बाद विड्रॉ पर क्लिक करके आपको प्रपोजल विड्रॉ हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए।